आज विधानसभा का पहला विधानसभा सत्र का पहला दिन है और बहुत हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता ने अपने अलग अलग प्रतिनिधियों को विधानसभा के अंदर वापस भेजा है और आज महज जो है वो उनकी शपथ के लिए आज का दिन निर्धारित किया गया था। और जिस तरीके से विपक्ष ने आज के शुभ दिन पर खलल डालने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात विधानसभा के अंदर रखे, मगर समय सही चुनना, मैं समझता हूँ कि जिम्मेवारी विपक्ष की भी है। ये जो बात उन्होंने आज उठाई वो अगले 2-3 दिन में भी उठाई जा सकती थी। सब जानते हैं कि राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है और उसके बाद चर्चा का समय मिलता है, उसमें विपक्ष अपनी बात पूरी मजबूती के साथ आंकड़ों के साथ रख सकता था, मगर जिस तरीके से वो जल्दी में नज़र आ रहे हैं ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। विपक्ष ने 5 साल प्रदेश की जनता ने उनको विपक्ष में बिठाने का निर्णय भाजपा को ले लिया है, तो उनको संयम रखना चाहिए और 5 साल उन्होंने नारे लगाने, प्रदर्शन करने, धरने देने तो देते रहे, मगर पहले दिन इस तरीके की चीज़ को करना मैं समझता हूँ शोभनीय नहीं था। मगर तब भी हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी ने बड़े संयम के साथ नेता प्रतिपक्ष जी की बात को सुना, पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात को सुना और उनको आश्वासन दिलाया बड़े प्यार से कि ये जो भी निर्णय लिए गए हैं ये प्रदेश की खराब वित्तीय परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए लिए गए हैं, क्योंकि इनका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स नहीं थे। इस पर कम से कम 5,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ रहा था और आज वैसे भी हमारे सरकार जो है वो प्रदेश जो है वो करीबन 65,000 से 70,000 करोड़ के ऋण में डूबा हुआ है। इसलिए इस तरीके के निर्णय लेना केवल चुनावों के समय में जो लिए गए थे पिछले 6 महीने में कि उसका राजनीतिक लाभ हो, ये सही नहीं था, इसलिए उनको रोल बैक किया गया है। मगर तब भी मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि अगर इसमें से कोई भी ऐसा संस्थान लगता है जो प्रदेश के या क्षेत्र के या किसी विधानसभा क्षेत्र के हित में है तो उसको फिर से खोलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के सत्र में भी ये बात कही है, जिसका हम स्वागत करते हैं। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।